मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मेरा मेरा भाषण यहाँ से शुरू ना हो, लेकिन करना पड़ता है। जय भीम का अभिवादन जय भीम से करना सीखो। इस जय भीम ने आपको उस देश में जहाँ इंसान की परछाई से भगवान भी अछूत होते रहे हों, वहाँ सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ा कर, सर उठाकर चलना सिखाया है। जय भीम, इसे आदत बना लो, ये करेक्टर में आएगी तो बात बनेगी, इसी से सारे दुखों का निवारण स्वयं होता चला जाएगा। मैं अब्राहम लिंकन जी से प्रेरित हूँ, बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा, दो मिनट से थोड़ा सा ऊपर जा सकता हूँ मात्र। सामान्य साथियों, शुरुआत बात की यहां से करता हूं कि जिन्होंने हल की सूरत देखी ना वो हकदार हजारों बीघे के, जिन्होंने हल की सूरत देखी ना वो हकदार हजारों बीघे के, और जो हल के संग हस्ती मिटा रहे वो दस गज के भी हकदार नहीं। ये न्याय हमें स्वीकार नहीं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं कि दो एकड़ में बनी हवेली रहने वाले बस दो प्राणी और यहां एक कमरे में रहते दस सो सकते पैर पसार नहीं। ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। सदन में जिनकी आवाज लगातार सुनते रहे और विशेष तौर पे जिन्हें संसद की शेरनी के साथ साथ अब सड़क के आंदोलन की शेरनी भी की संज्ञा में दी गई है, और भारत में आरक्षण हक और हुकूक की लड़ाई को नया आयाम देने वाली मेरी बड़ी बहन सावित्री बाई फूले जी और तमाम सच्चे सांसदगण, साथियों केवल विषय पर बात रखूंगा। आज विषय है SC ST एक्ट पर चर्चा और आरक्षण, स्पेशली प्रमोशन वाले आरक्षण पर चर्चा। मैंने आरक्षण बचाओ आंदोलन को 5-5 साल खूब चलाया है अपने घर बार छोड़ करके। पत्नी को नौकरी के बाद जिस दिन परमानेंट नौकरी में आई उस दिन तय कर दिया गया कि हम आंदोलन चलाएंगे, घर को आप देखेंगी, तैयार हुई तो ही शादी हुई। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे संस्कारवान परिवार की बेटी मेरी पत्नी बन के आई, तो शायद मैं समाज के लिए काम कर पा रहा हूँ। क्योंकि बगैर रमा के त्यागी के कोई बाबा साहब नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ये संस्कार देना होगा, संस्कार बांटना होगा। SC ST एक्ट की बात करता हूं। SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़े आदर सम्मान के साथ मैं सहमत नहीं हूं, और ये बात मैं सीधे सीधे फैक्ट के आधार पर कहूंगा। इस देश में रिश्वत वाले कानून का भी खूब दुरुपयोग हुआ। इस देश में खुद कोर्ट कहता है कि 398A का भी, यानी कि पारिवारिक हिंसा और दहेज वाला जो कानून है उसका भी कहीं ना कहीं कोई दुरुपयोग हो जाता है। बलात्कार के प्रयास का भी वाले कानून का तो दुरुपयोग हो जाता है, छेड़छाड़ के कानून का भी दुरुपयोग हो जाता है। तो यह कहने की आज आवश्यकता नहीं थी जो आज के अखबार में पढ़ा गया कि हम केवल कानून के दुरुपयोग से डर रहे हैं कि किसी को डराया ना जाए। तो इस देश में बहुत सारे कानून के दुरुपयोग होने का डर सबको है, फिर केवल SC ST एक्ट के बारे में स्पेशल कहने की क्या आवश्यकता थी मेरे सम्मानित कथित न्यायाधीशों। इसके अलावा कल की खबर है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक फैसले को वापस लिया है। अभी पत्रकारिता के मामले में पत्रकार बंधु मौजूद हैं, पत्रकारिता के मामले में स्मृति ईरानी जी ने कानून पास किया था, अभी आदेश दिया कि फेक न्यूज चलाने पर, फर्जी न्यूज चलाने पर, फर्जी समाचार देने पर पहली बार में 6 महीने, अगली बार चलाओगे तो 1 साल, और फिर भी अगर फेक न्यूज किसी पत्रकार ने चलाई तो पूरी जिंदगी की मान्यता, पूरे जीवन की मान्यता समाप्त की जा सकती है। तब पत्रकार बंधुओं ने कहा, इस देश की मीडिया ने कहा कि यह हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, और खुद सरकार ने मान लिया कि हाँ भाई कानून का उल्लंघन थोड़ा बहुत तो हो सकता है ऐसे में। और खुद पत्रकार भी कह रहे थे, पत्रकारों ने कहा कि भाई अगर फर्जी बड़ा कोई करेगा तो कानून तो ऑलरेडी है, इसमें स्पेशल हमारे ऊपर लादने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए मेरा उसी तर्ज पे मेरा कहना है कि जब सारे कानून का को फर्जी तरीके से, गलत तरीके से दुरुपयोग करने में 182 की कार्रवाई है, तो स्पेशल सुप्रीम कोर्ट को केवल SC ST एक्ट में कहने की क्या आवश्यकता थी। खुद अपनी बात का विरोधाभास सुप्रीम कोर्ट के कथित न्यायाधीशों ने किया है। और यह समझ लीजिएगा साथियों, ये वो देश है जिसमें एक प्रदेश की हाईकोर्ट ये कह सकती है जब कि ये महिला दलित झूठ बोल रही है, इसका सामूहिक रेप नहीं हुआ है, ये अछूत है, अछूतों को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, इसका कोई रेप कैसे कर देगा, ऐसे कथित न्यायाधीश देश में है। ये मैं कंडम करता हूं इस सदन के माध्यम से। रही बात आरक्षण वाली बात, तो आरक्षण वाले मामले में केवल अवसर है आगे बढ़ने का, यह जिम्मेदारी बनती है हर देश की सरकार की, प्रदेश की सरकार की, कि अपने कमजोर वर्ग को जो उसी देश की व्यवस्था के चलते अधिकारों से वंचित रखा गया हो उसे बना करके उसका हित, उसके हितों के संरक्षण करें। प्रमोशन आरक्षण की आवश्यकता इस वाले मामले पे यह भी है
कि इस देश में विश्व का पहला घटनाक्रम हुआ सम्मानित साथियों, वरना जिस दिन जो आदेश पारित होता है उसके बाद से लागू होता है, लेकिन रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाले मामले में इस देश के लोगों की मानसिकता इसी बात से पता चलती है कि जिनका 20 साल पहले भी प्रमोशन हो गया उन्हें भी डिमोट करके उनके घर भेजा गया। यह जाहिर सी बात है, यह मामला केवल न्याय का नहीं था, यह मामला केवल प्रमोशन और डिमोशन का नहीं है, ये मामला अपमान और सम्मान का था। उन्हें जानबूझकर के हम लोगों का अपमान करना था, ये उसके पीछे की मानसिकता थी। समाज साथियों, उसके बाद केवल एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हम गरियाते हैं तमाम नेताओं को, हमारा सबका दोष होता है कि नेता हमारा साथ नहीं देते, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य पर भी अपनी कृपान पर झांकना पड़ेगा। क्या जिस जिस नेता ने आज तक हमारा साथ दिया है, हमारी बातों को अपने अपनी पार्टी के नेतृत्व के विरुद्ध जाकर के उठाया है, क्या हम लोगों ने उनका साथ सड़क पर दिया है? मैं किसी पार्टी किसी संगठन में काम करूं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, उससे पूछा था सुशील कुमार शिंदे जी ने एक बात, मैं किसी उस पार्टी में हूं नहीं, ये स्पष्ट कर दूं, मेरी एक दो बारी मुलाकात है, कोई कहने लगे मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो राष्ट्रपति जी की बात भी करने वाला हूं। राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति बनने के 15 दिन के अंदर कहा कि उच्च न्यायपालिका में वंचित वर्ग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है, सरकार उस पर चिंता करे, इसका बंदोबस्त करे। हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि राष्ट्रपति जी भारत के प्रथम नागरिक की उस आवाज को एक आंदोलन में तब्दील करने का काम हमें करना चाहिए था, लेकिन हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं कि वो अमुक पार्टी का आदमी है, उसकी इसलिए उसकी सही बात भी मानने को हम तैयार नहीं होंगे, गलत बात है। इसके अलावा जब सुशील कुमार शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो निजी क्षेत्र में 15% आरक्षण लागू किया उन्होंने, उन्हें सरेआम मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम आवाज बुलंद करते, उनके हक में खड़े होते? हम MP नहीं बना सकते, हम MLA नहीं बना सकते, हम उन्हें अपनी आवाज बना सकते हैं, जो एम्पलीफायर अच्छे से काम कर रहा हो तो उसे आवाज बनाने में दिक्कत क्या है? आज बहन सावित्रीबाई फुले जी अगर कह रही हैं कि मुझे सांसदी की फिक्र नहीं, मुझे टिकट की परवाह नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संविधान की रक्षा पहले करूं, जो बाबा साहब कुछ दे करके गए हैं उस इबारत को संभाल के रखूं। साथियों, हमें क्या मिला है पीछे से, इसका कोई मायने नहीं, लेकिन जो मिल चुका है उसे संभाल के कितना रखेंगे, बात यह है। आज ये सांसद, दो सांसद आपके सामने और भी हैं, जनक जी बैठे हैं, अगर इतने ऐसे माहौल में हम लोगों के बीच में चर्चा और परिचर्चा में भाग लेने की हिम्मत करने आते हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों के हाथ सशक्त करने का काम हम करें, हम ये संदेश देने का काम इस देश की सरकारों को करें, इस देश की व्यवस्था को करें कि हो सकता है कि तुम्हारे षड्यंत्रों के चलते ये लोग सांसद बन पाए ना बन पाए, लेकिन हमारे समाज के नेतृत्व करने का काम ये लोग करेंगे, इसमें तो किसी की जरूरत नहीं है, हमें इसमें तो किसी और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ लीजिएगा साथियों व्यवस्था कैसी है। अंतिम बात कह रहा हूं अशोक जी, अभी कल परसों के इस प्रदर्शन के बाद कल एक जनरल हाउस की मीटिंग मेरठ के वकीलों ने बुलाई, और मेरठ के वकीलों ने जनरल हाउस मीटिंग की बुलाने के बाद 6 वकीलों को दलितों को निष्कासित किया, वो तो अलग बात, एक बड़ी बात कही कि इन बलवाइयों की, इन उपद्रवियों की, इन प्रदर्शनकारियों की बेल एप्लीकेशन कोई स्वीकार नहीं करेगा, इनके मुकदमे कोई नहीं लड़ेगा। जिस देश में टेररिस्ट भी कोई पकड़ा जाए उसे भी सरकार वकील मुहैया कराती हो, तो ये जो अभी जो प्रदर्शन हुआ है उन प्रदर्शनकारियों के कि पहले अप्लीकेशन कोई नहीं लेगा, ऐसा वकीलों की आम सभा पास करती है सम्मानित साथियों, वो बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर्स के मुकदमे लड़ेंगे, बलात्कारियों के मुकदमे लड़ेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के मुकदमे नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, कल को जो अगर जज खड़े होकर मना करने लगे तो इसका मतलब बात यह है, दोष किसी पार्टी का नहीं है, दोष किसी राजनीतिक दल का नहीं है, दोष व्यवस्था का है। वरना पूछना चाहता हूं मैं, जिस समय रिजर्वेशन इन प्रमोशन में हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने स्टे दिया था, BED में आरक्षण छीना था, किसकी सरकार थी, किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी गोद में बैठे थे? वो पुष्यमित्र शुंग की कहानी में सुनाना नहीं चाह रहा, सम्राट अशोक के परपोते का कत्ल जैसे हुआ और पुष्यमित्र शुंग को अपनी बगल में बैठा करके काम किया गया। तो समझ लीजिएगा कि हो कुछ भी व्यवस्था का दोष है, उस व्यवस्था को पहचानो। और अंतिम बात कहकर के बाबा साहब कहकर के गए हैं कि शेर बनो, शेर की बलि नहीं दी जाती। सीधी बात यह है, व्यवस्था हमारे खिलाफ है, हमें ताकतवर बनना होगा। और ताकतवर कैसे बनोगे, हमारी कमजोरी यह है कि हम उपजातियों के वर्चस्व की लड़ाई में उलझे पड़े हैं। दलित आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हम उपजातियों के वर्चस्व की लड़ाई में उलझे पड़े हैं। अगर हो सके तो सच्चे अंबेडकरवादी हो तो कसम खा के जाना कि जब अपने भाई की, बहन की, बेटे और बेटे की शादी करने का नंबर आएगा तो अपने
अपने चश्मे को केवल उपजाति तक नहीं रखोगे, और परम पूज्य बाबा साहब ने जो कहा है कि रोटी और बेटी का रिश्ता आपस में जोड़ोगे, ऐसे करके जाना, वरना हमारी जातियों को हमारे खिलाफ करके खिलाफ खड़े हो करने वाले हैं लोग, और दलित अति दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़े के खेल होने वाले हैं, और ये तभी रुक सकते हैं जब आपस में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ना शुरू करोगे। ये समझ लीजिएगा ईमानदारी से, क्योंकि एक तीन बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि वरना गालिब ने एक शेर लिखा है और वो शेर हर पे हर किसी पे फिट बैठता है। जरा यहां से सुनना कि उम्र भर गालिब बस यही गलती करता रहा, कि उम्र भर गालिब बस यही गलती करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ न करना, चेहरा साफ करना। जय हिंद, जय भारत।